आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया। नोएडा कोर्ट में गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसके बाद स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है। फिलहाल तो गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार का मामला, भाजपा प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। दरअसल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आपको बता दें कि वहां पर दुर्व्यवहार हुआ था, जिसको लेकर के अब कोर्ट फिलहाल खुद संज्ञान लेते हुए नजर आए। और ये भी आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। तो भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया से दुर्व्यवहार का यह पूरा मामला, जिसमें कोर्ट ने लिया है खुद एक्शन और सचिव को नोटिस जारी किया है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है, उनसे दुर्व्यवहार का यह पूरा मामला था, जिस पर कोर्ट फिलहाल स्वतः संज्ञान लेते नजर आया। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, ये पूरा मामला आखिर क्या है और कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया, कोर्ट ने आखिर क्या कहा है? देखिए महिमा, कल नोएडा कोर्ट में हड़ताल था, इसके बावजूद वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया और बीजेपी नेता गौरव भाटिया कल नोएडा कोर्ट में एक मामले के लिए पेश हुए थे, जिसके चलते गौरव भाटिया को विरोध का सामना करना पड़ा था और खासकर गौरव भाटिया के साथ एक तरह से बदसलूकी हुई थी, वहां उनका बैंड भी छीन लिया गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई। कई वकीलों के ग्रुप और खासकर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट और खासकर सीजीआई को ये जानकारी दी कि ऐसी सी घटना नोएडा कोर्ट में कल हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कई लोगों को। खासकर इस मामले में गौतम बुद्ध नगर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी और एसएचओ को भी नोटिस जारी किया है और जिला जज से रिपोर्ट मांगी है। सबसे अहम जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि इस घटना में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको संरक्षित रखने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज गौतम बुद्ध नगर से कहा है कि घटना के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखें और बदसलूकी करने वाले वकीलों की पहचान करके डिस्ट्रिक्ट जज को इस घटना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी, जहां इस पूरे मामले को लेकर जो गौतम बुद्ध नगर के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष सचिव हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा और सीजीआई की बेंच के सामने ये बताना होगा कि आखिरकार इस तरह से दुर्व्यवहार गौरव भाटिया के साथ क्यों किया गया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त आज था और इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। महिमा जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।